ये कहानी हमें लेकर आई है कर्नाटका, जो दुनिया में सैंडलवुड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब इस बेशकीमती लकड़ी का एक्सपोर्ट ठप हो गया, तब मैसूर के महाराजा कृष्णा वोडेयार और उनके दीवान एम विश्वेश्वरैया ने गवर्नमेंट सैंडलवुड ऑयल फैक्ट्री को सेटअप किया। मकसद था सरप्लस सैंडलवुड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना। फिर एक दिन महाराजा को इसी सैंडलवुड ऑयल से बना सूप तोहफे में मिला। उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना फैक्ट्री में एक्सट्रैक्ट हो रहे ऑयल से सूप बनाया जाए, और तैयार हुआ वर्ल्ड फेमस मैसूर सैंडल सूप। From then on, from nearly 104 years, we have been constantly and consistently producing this sandal soap using 100% natural sandalwood oil. Karnataka में sandalwood trees बहुतायत में मिलते हैं, इसीलिए तो इसे land of sandalwood भी कहा जाता है। ऊंचाई देख रहे हैं? ये पेड़ 30 फुट तक बढ़ते हैं और 60 से 80 साल तक जीवित रहते हैं। आई नो आप सोच रहे होंगे कि इस पेड़ में ऑयल कहाँ छुपा होता है भाई, मैं बताती हूँ। सैंडलवुड ऑयल दरअसल रूट्स, ट्रंक और बड़ी ब्रांचेस के हार्डवुड में पाया जाता है। हार्डवुड यानी लकड़ी का दिल या सबसे अंदरूनी हिस्सा, जो आमतौर पर 20 साल के बाद ही बनना शुरू होता है। When we make Mysore sandal soap, we use a natural ingredient called sandalwood oil. This is called the liquid gold. Normally, from a ton of wood, we get about 4% of sandalwood oil, that is about 40 kgs of sandalwood oil. From about 40 kgs of sandalwood oil, we produce about 2 lakhs units of soaps. चलिए जानते हैं ऑयल से सोप कैसे बनता है। सोप बनाने के लिए आज भी इस्तेमाल होती हैं सदियों पुरानी टेक्निक्स। हर बैच में परफ्यूम और नेचुरली एक्सट्रैक्टेड सैंडलवुड ऑयल इस्तेमाल होता है। सही कंसिस्टेंसी के लिए सोप मिक्सचर को 3 बार अलग अलग तरीके से पीसा जाता है। आखिर में हर सोप को पैक कर दिया जाता है इन क्लासिक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में। टुडे वी प्रोड्यूस अराउंड 21,000 मेट्रिक टन ऑफ सैंडल सोप एंड दिस सैंडल सोप इज जस्ट नॉट सोल्ड इन इंडिया, इट इज द इंडियास प्राइड एंड द वर्ल्ड्स चॉइस। इकलौता सोप जो 100% सैंडलवुड ऑयल से बना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जन्मा और करीब 100 साल से दुनिया के कोने कोने को अपनी खुशबू से महका रहा है। इट हैपेंस